सनातन धर्म की जय हो, मातृभूमि की जय हो। पिछले कुछ दिनों से पूरे भारतवर्ष में गमगीन माहौल बना हुआ है। समग्र जैन समाज बहुत व्यथित है, अंतर आत्मा तक दुखी है। एक साधु की निर्मम तरीके से हत्या हो जाना और जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, वो निश्चित तौर पर राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान के द्वारा किया गया कृत्य है। दोषी को सजा क्या मिलेगी, उसका अंजाम क्या होगा, ये बहुत बात का विषय है। ये हम देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन वर्तमान में जो जैन समाज की स्थिति है कि समग्र जैन समाज दुखी, व्यथित और इस घटनाक्रम से हतप्रभ है। 20 तारीख को जैन समाज ने इस घटना के विरोध में संपूर्ण जैन समाज से आह्वान किया है कि वे अपना व्यापार, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रीज और नौकरी बंद रखें और इस बंद में अपना योगदान दें। क्या यह घटनाक्रम एकमात्र जैन समाज के लिए आघात करने वाला है? क्या सिर्फ जैन समाज की मानसिकता को हिलाने वाला है, उनके दिलों और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है? नहीं साथियों, मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि इस घटनाक्रम ने सिर्फ जैन समाज को नहीं वरन पूरे देश के सनातन धर्म को हिला दिया है। यह घटनाक्रम सिर्फ जैन समाज के ऊपर आघात नहीं है, वरन पूरे सनातन धर्म पर आघात है। एक ऐसा प्रहार है जिससे कि हमें एक सीख लेना चाहिए और एक प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जैन समाज, आप देखिए कितना एक हम लोग कितने बढ़ चुके हैं और हमारे धर्म की, हमारे सनातन की स्थिति हमने स्वयं ने क्या कर दी है। एक जैन मुनि किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ज्ञानी होता है, गुरु होता है, गुरुवाणी का एक स्वरूप होता है, हर व्यक्ति हर समाज का उन्हें सुनता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कोई मुनि जिन्हें की गुरु स्वरूप में पूजा जाता है किसी एक समाज का हो सकता है? क्या कोई हादसा, कोई घटना सिर्फ एक निश्चित समाज के लिए घटित होनी चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए? ये बंटवारा जो हमने एक व्यवस्था बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने इस समाज को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई थी जिसमें अलग अलग धर्म, अलग संप्रदाय का निर्माण किया था कि व्यवस्था को संचालन करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उसे हमारे निजी जिंदगी में इस कदर उतार लिया कि हम हमारे मूल रूप, मूल सिद्धांत, मूल जड़ सनातन को ही भूल गए और बट गए आपस में। और आज उसी का अंजाम है कि जब किसी संत पर, किसी मंदिर पर, किसी धर्म पर उंगली उठती है तो अन्य समाज खामोश होता है, वो ये भूल जाता है कि ये सनातन का हिस्सा है, हिंदुत्व का हिस्सा है और इसमें शामिल होना और इसमें योगदान देना हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है। आज ही मेरे साथियों, देशवासियों, इस घटनाक्रम से हमें सीख लेनी चाहिए और आने वाला समय, अगर हम आज भी एक नहीं हुए और 20 तारीख होने वाले बंद के आह्वान में, आहुति में अगर हमने अपना योगदान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय की घटनाओं के लिए हम सब सनातनी जवाबदार होंगे। दोस्तों, साथियों, इस समाज में हम सब एक हैं, सनातन का हिस्सा हैं। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सनातन तो एक है। सनातन को पहचानिए, सनातन के साथ आइए। साधु, संत कोई भी हो, किसी भी सनातन की शाखा पर आहत हो, आघात हो, हमें एकीकृत होना चाहिए, एक मंच पर होना चाहिए, एक जुट, एक मुट्ठी में होना चाहिए। और जिस दिन ये मुट्ठी में तब्दील हो जाएगा, आप मान के चलें दोस्तों, किसी अन्य समाज पे इतना बड़ा प्रभाव छोड़ेगा कि वो आपके सनातन को किसी भी दृष्टिकोण से नीचा दिखाने का, आघात करने का प्रयास नहीं करेंगे। जितने भी मंदिरों पर, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, जो हादसे होते हैं, घटित होते हैं, उसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ सनातनी है, क्योंकि हम धर्मों में बढ़ चुके हैं, सनातन से भटक चुके हैं। आइए
20 तारीख के बंद के आह्वान में हम सभी सनातनी शामिल हों, अपना व्यापार बंद करें और एकजुटता का प्रदर्शन करें। जय सनातन भारत वर्ष की जय हो, मातृभूमि की जय हो।